बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं आज की एक नजर हेडलाइन पर। छत्तीसगढ़ में कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पर लगा 50 करोड़ के घोटाले का आरोप। छत्तीसगढ़ के गोंदा गाँव में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। गोंदा गांव के जिला अधिकारी टेकम ने कहा, मृतकों के परिवार वालों को 25,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा और दुर्घटना में घायल हुए लोगों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। ट्रक और बुलेरो के बीच हुई यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और वही अस्पताल ले जाते समय 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पर 50 करोड़ रुपए के कथित नियमितता के आरोप लगा है। शुक्रवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर सरकारी डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए 50 करोड़ के रुपए कथित वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एमएनएस हिंदी ऐप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।